हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकर। दोस्तों, आज से हम लोग भूगोल की कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप लोगों के बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर भूगोल को पहले पढ़ा दीजिए, ज्योग्राफी मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कठिन है और बड़ा टिपिकल है, कैसे इसको पढ़ा जाए, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होती है, हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं आप सबके कमेंट को कंसीडर करते हुए आज मैंने डिसाइड किया है कि आज से हम लोग ज्योग्राफी प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी इच्छा पूरी हुई, मुझे लगता है कि आप खुश हुए होंगे और ज्योग्राफी आज से प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विश्व का भूगोल, ठीक है, और फिर हम लोग साथ में पढ़ लेंगे यानी कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण, ठीक है, यानी कि भूगोल वाला पूरा चैप्टर यानी पूरा पोर्शन हम लोग क्रम से समाप्त कर लेंगे, ठीक है, और कोशिश करूंगा कि हम इसको जल्दी समाप्त करें, ठीक है। और हमने जिस तरीके से अभी जितने विषयों को पढ़ाया है, चाहे वो इतिहास है, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो साइंस है, यानी कि टू द पॉइंट स्टडी, ठीक है, यानी कि ज्योग्राफी आपको हम बहुत विस्तार में नहीं ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शनल विषय नहीं है, कोई मेंस की कक्षा नहीं है, ये हमें आपको पीटी के लिहाज से प्रारंभिक परीक्षा के उद्देश्य से ज्योग्राफी पढ़ाना है। और हमारा उद्देश्य ये है कि आपके एक भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना हो, ठीक है, यानी कि हम आपको इतना पढ़ा दें कि पीटी परीक्षा में जो भी प्रश्न आपके आए वो सारे हल करके और सही करके आए, ठीक है। हम आपको बिल्कुल विस्तार में नहीं ले जाएंगे, बहुत डीप में नहीं ले जाएंगे, हाँ, लेकिन उतना जरूर पढ़ाएंगे, उतना कॉन्सेप्ट आपको जरूर देंगे, उतने फैक्ट आपको देंगे कि आप प्रारंभिक परीक्षा में एक भी क्वेश्चन गलत ना करके आए, ठीक है। तो दोस्तों, यकीन मानिए जिस तरीके से आपने अन्य विषयों पर मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, ज्योग्राफी में भी ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए, आपको वहां तक पहुंचा देंगे जहां तक आपने सोचा नहीं होगा, ठीक है, यानी कि आपको परीक्षा पास कराने का समझो जिम्मा अब मेरे ऊपर है, ठीक है, परीक्षा पास कराना अब मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, क्योंकि अगर पीटी आपने पास नहीं कर पाया तो फिर मेंस की तैयारी आप कैसे करेंगे, ठीक है, और मेंस की तैयारी मैं ही आपको करवाऊंगा, इसलिए पहले आपको हम प्रारंभिक परीक्षा पास करवा दें, ठीक है। तो दोस्तों, हालांकि समय कम बचा है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी, ठीक है, और आप भी अपने स्तर से प्रयास करिए कि हम लोग दोनों लोग मिल करके जल्दी से सिलेबस को समाप्त करें, ठीक है, इसलिए हम लोग बहुत डीप बने जाएंगे, ठीक है, यानी कि बस डीप का मतलब ये है कि मतलब हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे मेंस पढ़ रहे हैं या ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यानी कि उन सारी चीजों को पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, ठीक है, और आप देखेंगे कि जो चैप्टर हम पढ़ाते चल रहे हैं अगर वहां से आप प्रश्नों को हल करेंगे जो पूर्व वर्षों में पूछे गए हैं तो एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं और एक भी प्रश्न आपका बाउंस नहीं होगा, ठीक है, यानी सारे के सारे प्रश्न आपको इन लेक्चर से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज भारत का भूगोल हमने स्टार्ट किया है, इसका पहला चैप्टर होगा कि भारत की अवस्थिति और उसका विस्तार, ठीक है। दोस्तों, जल्दी ही हम लोग एक नया प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज का जो मैंने आपको बोला था, बस वो समझिए कि दो चार दिन में ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा टेस्ट सीरीज का, ठीक है, और ऐप लगभग बन गया है, एक दो दिन में आ जाएगा, वो भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है, टाइपिंग भी हो रही है, मतलब सब कुछ काम एकदम से ऑन द वे है, ठीक है, दो चार दिन में हो सकता है आपको सीरीज मिल जाए। और सबसे पहले जो हमारी सीरीज लॉन्च होगी वो होगी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, ठीक है, क्योंकि जो सबसे पहली परीक्षा आ रही 16 अगस्त को जो परीक्षा है वो खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ की परीक्षा है, तो जो हमारी सीरीज होगी वो बीईओ के लिए यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए सीरीज होगी, ठीक है। इस सीरीज में 10 टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है, इस सीरीज में जो आपको 10 टेस्ट मिलेंगे और प्रत्येक टेस्ट में 120 क्वेश्चन होंगे जिस तरीके से आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है, और पैटर्न वही होगा जो कि लोक सेवा आयोग अभी तक पूछता रहा, ठीक है, यानी कि लोक सेवा आयोग के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन बनवाए हैं, हमारी टीम लगी हुई है, लगातार प्रयासरत, बहुत मेहनत कर रही है, ठीक है, और इतने मेहनती बच्चे हैं, समझिए मतलब कि वो इतने अच्छे प्रश्न बना रहे हैं, ये प्रश्न उन्होंने बना बना करके भेजा है, इतने अच्छे प्रश्न बनाए हैं, मतलब कि आपको हैरानी होगी, मतलब कि वरे वाह, मतलब आज तक आपने कभी ऐसी टेस्ट सीरीज की ही नहीं होगी, ठीक है, यकीन मानिए जिस तरीके से आपने मुझ पर अभी तक भरोसा किया है, टेस्ट सीरीज में भी आप भरोसा दिखाइए, उसको ज्वाइन करिए और फिर देखेंगे कि आप जो है अपनी तैयारी में एक बेहतर निखार पाएंगे, ठीक है, कि मतलब आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में आप जो है हमारी तैयारी एक सही ट्रैक पर जा रही है, ऑन द वे जा रही है, सही दिशा में जा रही है, ठीक है, यानी कि हम सही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, ठीक है।
रही बात जो आप लोग शुल्क वगैरह कहते हैं, ठीक, तो टेस्ट सीरीज का कोई शुल्क वगैरह नहीं है, कोई फीस वीस नहीं है, ठीक है। और अगर 10-5 रुपए फीस वीस ले भी ले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक मतलब एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होगा, वो आपको करना होगा, ठीक है, ऐप पर जाके। यानी जब ऐप बन के आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना होगा, ठीक है। एक रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा बस, और उसके बाद आपको जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक। कोई स्पेशल फीस मतलब 1500 रुपए बिल्कुल फीस नहीं रखती है, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। टेस्ट मतलब कि वो समझिए कि निशुल्क ही है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है, ठीक है। 10-20-50 रुपए अगर किसी से ले लिए जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और मुझे लगता है किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा और कुछ नहीं आपको करना होगा, ठीक है। तो 10 टेस्ट की वो सीरीज होगी जो कि जल्दी लॉन्च होगी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग भारत की अवस्थिति और विस्तार, यानी कि कहने का मतलब ये है कि भारत जो हमारा देश है वो कहाँ पर स्थित है, उसकी वास्तव में स्थिति क्या है और उसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, कितने देशों से उसकी सीमा लगती है, स्थलीय सीमा किससे लगती है, तटीय सीमा किससे लगती है, सीमा का कितना विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक फैली है, किन देशों से मिलती है, किन राज्यों से मिलती है, इन सारी बातों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आप देखेंगे कि जो मैंने वहां पर मैप भी बनाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि बिना मैप के समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हालांकि मैप जैसा मैंने बना पाया वैसा बनाया है, ठीक है, लेकिन कोशिश की है, ठीक है, फिर भी बन गया है, काम चलाओ तो बन ही गया है, बाकी आप अपनी कॉपी में अच्छा बना लीजिएगा, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पर समझने के लिए बनाया है कि किस तरीके से चीजों को समझा जाएगा, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहां से कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। कभी कभी ये संख्या ही पूछ ली जाती है, ठीक है, और ये कुल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है भारत के पास, ठीक है। इसके बाद जो भारत का विस्तार है, जो भारत का विस्तार है और जो भारत के भारत का जो क्षेत्रफल में स्थान है वो ध्यान रखिएगा 7वां स्थान है, ठीक है, 7वां, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अच्छा, जो भारत का विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण तक है 3,214 किलोमीटर, ठीक है, और पश्चिम से पूर्व है 2,933 किलोमीटर, यानी कि आप देखेंगे यहां से लेकर के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक अगर ये लंबाई देखी जाए कितनी है, 3,214 किलोमीटर, ठीक है, और अगर पश्चिम से पूर्व यानी कि यहां से लेकर के यहां तक लंबाई देखी जाए तो कितनी है, 2,933 किलोमीटर, ये भारत का विस्तार है, ठीक है। इसके बाद भारत की अवस्थिति यानी कि भारत कहां पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत, अगर आप यहां पर हम विश्व का पूरा मैप बना दें तो भारत कहां पर स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा, ठीक है, या उसकी सही दिशा देखी जाए तो फिर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। कभी कभी प्रश्न में विकल्प में उत्तरी गोलार्ध लिखा होता है, कभी कभी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध लिखा होता है, ठीक है, तो जो भी विकल्प में लिखा हो, दोनों नहीं लिखे होंगे, अगर दोनों लिखे हो तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध लगाइएगा, ठीक है, अगर एक लिखा हो तो फिर या तो ये लिखा होगा या फिर ये लिखा होगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अगर उत्तरी गोलार्ध में और एग्जैक्ट पूछा जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है, ठीक है। अब देखते हैं कि भारत से जो संबद्ध देश है यानी कि भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है, ठीक है, तो 7 देश ऐसे हैं जिनसे भारत की सीमा लगती है, और वो देश को याद करने का एक मैंने ट्रिक आपको बनाया है, वो आपको बताते हैं, ठीक है। और वो जो सीमा लगती है यानी कि भारत की सीमा सर्वाधिक किस देश से लगती है और सबसे कम किस देश से लगती है, इस क्रम में मैंने बनाया है, तो ये ट्रिक है 55 MBA, ठीक है, यानी कि ऐसे समझिए जब आप बचपन में थे ना तो MBA करना चाहते थे, ठीक है, तब यानी जब आप बचपन में थे तो MBA करना चाहते थे, क्यों करना चाहते थे, क्योंकि पासे क्या है, बांग्लादेश है, चासे क्या है, चाइना है, पासे क्या है, पाकिस्तान, ना से क्या है, नेपाल, एम से क्या है, म्यांमार, बी से क्या है, भूटान, और ए से क्या है, अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये क्या है, ये सीमाओं का घटता क्रम है कि बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा भारत से लगती है, इसके बाद चीन की, इसके बाद पाकिस्तान की, इसके बाद नेपाल की, और सबसे कम अफगानिस्तान की लगती है। ये सीमा यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि किसकी सीमा कितनी लगी हुई है, ये सारी आपको हम बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये ट्रिका दिखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि ये पूछने जाता कि सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है या सबसे कम किसकी लगती है, या 4 देश दिए रहते हैं और उनको क्रम में सजाना होता है, आरोही या अवरोही क्रम में सजाना होता है कि सबसे ज्यादा और सबसे कम किसकी सीमा लगी हुई है, ठीक है। इसके बाद है संबद्ध तटीय देश, यानी कि भारत से जो तटीय देश है वो कितने संबद्ध है, तो 2 देश है, एक श्रीलंका है और एक मालदीव, ठीक है,
श्रीलंका और मालदीव भारत से दो संबद्ध तटीय देश हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भारत की स्थलीय सीमा है, ठीक है, यानी कि स्थलीय सीमा का मतलब यह है कि जो ये सात देश हैं, ठीक है, तो इन सात देशों को मिला करके जो सीमा लगती है, ठीक है, इन देशों से, उसे कहा जाता है स्थलीय सीमा। तो ये है 15,200 किलोमीटर, ठीक है, सातों देशों को मिला करके, ठीक। और जो भारत की तटीय सीमा है, ठीक है, यानी कि तो ये पश्चिमी तट है और ये जो पूर्वी तट है, ठीक है, तो इन तटों को मिला करके जो सीमा है वो है 6100 किलोमीटर, ठीक है। और अगर द्वीपों को मिला दें, यानी कि तटीय सीमा हम द्वीपों को भी मिला लें, तो ये हो जाती है 7516.6 किलोमीटर, यानी कि द्वीप जैसे कि आपका यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, यहाँ पर जो है लक्षद्वीप है, ठीक है, बहुत सारे द्वीप हैं। तो इन द्वीपों की अगर हम सीमाएं मिला लें, यानी कि तटरेखा जो तटीय सीमा है वो जो किनारे राज्य है इनकी मिला लें और जो द्वीप है उनकी मिला लें, तो कुल हो जाती है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार जो भारत की कुल सीमा है, यानी कि स्थली और तटीय मिलाकर के, वो है 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है, ये एग्जैक्ट आंकड़ा इसको याद रखिएगा, 22,716.6 किलोमीटर भारत की स्थली और तटीय सीमा ये दोनों मिलाकर के होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये प्रश्न यहां से बहुत पूछा जाता है कि भारत की तटरेखा वाले राज्य, यानी कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी तटरेखा जो है जिनसे समुद्री तटरेखा मिलती है, तो 9 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, समझिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये 9 राज्यों की सीमाएं लगती हैं किनसे, समुद्र से, यानी कि तटीय राज्य हैं ये, ठीक है, ये 9 कैसे राज्य हैं, तटरेखा वाले राज्य हैं या तटीय राज्य हैं, ठीक है। और प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो गुजरात की सबसे लंबी है, उससे छोटी आंध्र प्रदेश की, फिर है तीसरे नंबर पर तमिलनाडु की। तो तीन सबसे बड़ी तटरेखा वाले राज्यों को लिखा है, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और जो सबसे छोटी तटरेखा है वो है आपकी गोवा की, ठीक है, तो किसकी है, गोवा की, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको और मैं बता दूं कि जो भारत की स्थिति है यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में देखिए ये जो है आप उत्तर में देखेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट ये इसका अक्षांश है, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार है ये 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और ये दक्षिण में देखेंगे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट इसका जो है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक इसका विस्तार है। और जो इसका सबसे उत्तरतम बिंदु है, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, सबसे उत्तरतम बिंदु है वो है इंदिरा कौल, ठीक, कहां पर, ये जम्मू कश्मीर में है, इंदिरा कौल, यानी कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, इंदिरा कौल, ठीक है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहां पर है, ये आपका तमिलनाडु में जगह के कमोरिन, यानी कि कन्याकुमारी में, ठीक है, के कमोरिन के पास कन्याकुमारी में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है कहां पर, 8 डिग्री 4 मिनट पर, ठीक है। और अगर ये तो हो गया स्थल का, ठीक है, और जो सबसे दक्षिणतम यानी जो समुद्र में है, जो कि मतलब द्वीप में है, यानी कि अंडमान निकोबार में है, ये दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 4 मिनट पर है, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है, और ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। यही परीक्षा में पूछा जाता है कि जो दक्षिणतम बिंदु है ये कहां पर स्थित है, ग्रेट निकोबार मतलब कि बड़े निकोबार में, बड़ा निकोबार में स्थित है, छोटा निकोबार में स्थित ये नहीं है, ठीक है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसके बाद जो भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु है, ये देखिए पश्चिमतम बिंदु है, ये आप ये देख रहे हैं, ये पश्चिमतम बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पर है ये, और ये गुजरात की गौर माता में स्थित है, ठीक, कहां पर, गुजरात की गौर माता में स्थित है। और जो सबसे पूर्वतम बिंदु है ये 97 डिग्री 25 मिनट पर है, और ये अरुणाचल प्रदेश के किबिथू में स्थित है, ठीक है। तो ये हो गए 4 पॉइंट, उत्तरतम, दक्षिणतम ये, पश्चिमतम, और ये हो गया आपका पूर्वतम बिंदु, ठीक है, ये चारों बिंदु याद रखिएगा, और किस किस डिग्री पर इनकी लोकेशन है, कहां कहां पर ये स्थित है, किस राज्य में है, ये याद रखिएगा, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये स्थिति की बात, अब यहां पर आते हैं, जो भारत का मानक समय है वो 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, और ये इलाहाबाद में नैनी के पास स्थित है। यहां से प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि भारत का मानक समय कितना है, 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर जरूर याद रखिएगा, ठीक है,
और ये इलाहाबाद में नैनी के पास स्थित है। ठीक है, इसके बाद भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो मानक समय रेखा है वो कहां से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से किस राज्य से होकर के भारत की मानक समय रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती है। ठीक है, तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर के भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए। और जो भारत का मानक समय है वो लंदन के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक, इसी को जीएमटी कहा जाता है, इसी को ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यानी कि अगर समझो कि अगर इस समय लंदन में अगर दोपहर के 12 बजे होंगे तो यहाँ पर शाम के 5:30 बजे होंगे। ठीक है, अगर मान लो लंदन में दोपहर के अगर 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। यानी कि जो हमारा जीएमटी है वो भारत का जीएमटी है वो लंदन के जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है, इसलिए +5.30 घंटा लिखा जाता है इसको। इसे जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, जो कि लंदन से अधिक है। इसलिए आप हमें बचपन में सोचते कि यहाँ पर दिन है तो वहां रात होगी लंदन में एकदम। ठीक है, तो ये जीएमटी का ही अंतर होता है कि यहाँ दिन होता है तो वहां रात होती, वहां रात होता तो यहाँ दिन होता है। ठीक है, ये 5.5 घंटे का अंतर होता है, 24 घंटे का अंतर बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं मैप पर। ठीक है, मैप पर आपको समझाते हैं। तो देखिए यहां शुरुआत करते हैं, ये आपका जो है ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये क्या है, ये पीओके वाला भाग है। ठीक है, पीओके मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। जब कारगिल का युद्ध, सॉरी कारगिल जब उसमें जब कश्मीर का मतलब बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान बंटवारा हुआ था तो कश्मीर से विवाद हो गया था, तो जो युद्ध हुआ था उस समय तो कश्मीर, पाकिस्तान ने इस कश्मीर वाले भाग को अधिकृत कर लिया था, मतलब उस पर कब्जा कर लिया था, तो उसे पीओके कहा जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। तो जो अफगानिस्तान की सीमा लगती है वो इसी पीओके से लगती है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर से लगती है। ठीक है, तो अब चूंकि भारत इसको अपना हिस्सा मानता है, ठीक है, यानी कि इस पीओके को भारत अपना हिस्सा मानता है, जबकि पाकिस्तान अपना दावा ठोकता है। ठीक है, तो ये जो अफगानिस्तान की सीमा है ये 80 किलोमीटर की सीमा है जो कि पीओके से लगती है। ठीक है, इसके बाद यहां पर ये पूरा पाकिस्तान वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पूरा पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान की सीमा भी लगती है, और पाकिस्तान की सीमा कितनी है, 3310 किलोमीटर है, और इसकी सीमा गुजरात, राजस्थान और पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक है, इन 4 राज्यों से लगती है। तो प्रश्न यहां से बन जाता है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से लगती है या नहीं लगती है। तो याद रखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की सीमा लगती है, इन 4 राज्यों से पाकिस्तान की सीमा मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे चीन। ठीक है, ये चीन वाला, ये पूरा चीन, चीन का एरिया स्थित यहाँ पर। ठीक है ना, तो चीन की सीमा है 3917, 3917 किलोमीटर, ये भारत से लगती है, और ये पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लगती है इसकी सीमा। ठीक है, और पश्चिम में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सीमा लगती है। इंसान लिखा ना कि है, पश्चिम में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से चीन की सीमा लगती है, और दक्षिण में इसकी सीमा लगती है सिक्किम से। ठीक है, तो 3 तो 5 राज्यों से चीन की सीमा लगती है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से, दक्षिण में सिक्किम से, और पश्चिम में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से चीन की सीमा लगती है। कुल है 3917 किलोमीटर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ये नेपाल है, आप देख रहे हैं ये वाला, ये नेपाल है। ठीक है, नेपाल को यहाँ पर लिखा हुआ है, नेपाल की जो सीमा है वो 1752 किलोमीटर। ठीक है, 1752 किलोमीटर सीमा लगती है नेपाल की भारत से, और कितने राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा लगती है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भूटान है। ठीक है, भूटान, भूटान की सीमा भारत से लगती है 587 किलोमीटर। 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 4 राज्यों की सीमा लगती है भूटान की। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए बांग्लादेश, ये बांग्लादेश। ठीक है, ये वाला जो आप पूरा क्षेत्र, ये वाला देख रहे हैं ना, ये पूरा क्या है, ये बांग्लादेश है। ठीक है, ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक लगती है 4096 किलोमीटर। ठीक है, पूछा भी जाता है परीक्षा में, ठीक है, संख्या पूछी जाती है, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक भारत से लगती है। ठीक है, और इसकी सीमा 5 राज्यों से लगती है, देखिए कौन कौन से, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और असम से। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि मणिपुर और नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत
कई बार पूछा गया, हर परीक्षा में पूछा गया कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, ठीक है। तो किसकी नहीं लगती है, क्यों? क्योंकि मणिपुर देखिए ये है, नागालैंड ये है, ठीक है, नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश ये है, असम ये है, मेघालय ये है, त्रिपुरा ये है, मिजोरम ये नीचे है, ये वेस्ट बंगाल है, ये सिक्किम है, ठीक है। ये मैंने छोटे छोटे लिखा हुआ राज्य कहां पर कौन है, तो मणिपुर और नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, ठीक है। और जो त्रिपुरा है वो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। आप ये त्रिपुरा देख रहे हैं, नहीं वाला ये, तो ये क्या, ये देखिए पूरा बांग्लादेश है ना ये, ठीक है। तो त्रिपुरा को तीन ओर से घेरे हुए है, ठीक है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक सीमा रेखा है, ठीक है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है उसे शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसे शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पर यहाँ पर देखिए साइड में ये म्यांमार है, ठीक है। तो म्यांमार की सीमा 1458 किलोमीटर लगती है भारत से, ठीक है। और इसके जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ठीक। चार राज्यों की सीमा लगती है म्यांमार की, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड से, ठीक है। जबकि बांग्लादेश से पांच राज्य मिलते थे, ठीक है। इसके बाद ये देखिए जो कर्क रेखा देख रहे हैं, ये जो कर्क रेखा है, ठीक है, ये कर्क रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, जो भारत की अक्षांश रेखा या जिसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं, कितने राज्यों से, आठ राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। मैं जैसा जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा वैसा आप नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे से नोट्स बना लें। तो जो भारत की अक्षांश रेखा है, जो कर्क रेखा है, वो आठ राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन से है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये जो आप रेखा देख रहे हैं ये वाली, ये इन्हीं आठ राज्यों से होकर गुजरती है। और इसमें जो सर्वाधिक लंबाई है कर्क रेखा की, वो किसमें है? वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई। पूछ लिया जाता है कि किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है, तो वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये जो कर्क रेखा है, ठीक है, तो ये जो है ना, यहाँ पर गांधीनगर, भाई ये गांधीनगर है और ये भोपाल है, ठीक। गांधीनगर कहाँ पर? गुजरात में पड़ता है। और ये भोपाल कहाँ पर है? ये एमपी में पड़ता है। तो ये दोनों ही शहर कर्क रेखा के निकट स्थित है, ठीक है। तो प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट स्थित है, ठीक है। या तो एक दो होकर के होगा, या फिर एक ही राज्य होगा, एक ही शहर होगा, ठीक है। इस तरह देखिएगा, फिर जो कर्क यहाँ पर मैंने बिंदु बनाया, ये देखिए, ठीक है, ये क्या है? ये रांची है, झारखंड में स्थित है, ठीक है। और ये क्या है? ये कर्क रेखा पर ही स्थित है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा पर स्थित, तो रांची होगा, सिर्फ एक शहर है आठ का सिर्फ जो कर्क रेखा पर स्थित है, और वो है रांची, ठीक है। और रांची कहाँ है? ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। रांची कहाँ पर स्थित है? जो झारखंड में नदी बहती है, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित क्या है? रांची शहर उसी के तट पर स्थित है, ठीक है। इस बात में आते हैं, प्रश्न यहां से बनता है कि ऐसे कितने राज्य हैं जो कि तीन देशों से सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो भारत के तीन राज्य हैं, सो ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत के तीन ऐसे राज्य हैं जो तीन तीन देशों से सीमा बनाते हैं। कौन से हैं? एक तो जम्मू कश्मीर है, किससे बनाता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से बनाता है, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से बनाता है। सिक्किम है जो कि नेपाल, भूटान और चीन से बनाता है। और पश्चिम बंगाल है जो कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से बनाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यही बात कर लेते हैं हम पुडुचेरी की। पुडुचेरी जो कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, कहां पर स्थित है? यहां पर स्थित है कहीं, ठीक है। ये पुडुचेरी है, स्थित है। और ये पुडुचेरी में चार जिले हैं, ध्यान रखिएगा, पुडुचेरी में चार जिले हैं जो कि तीन राज्यों में बिखरे हुए हैं, ठीक है। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि निम्न से जो है कौन सा जिला किस राज्य में है, या मिलान करने को आ जाता है, तो बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो जो पुडुचेरी जिला है वो तमिलनाडु में है, जो माही जिला है वो केरल में है, जो कराईकल है वो तमिलनाडु में है, और जो यनम है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और जो माही है वो भारत का सबसे छोटा जिला भी है, ध्यान रखिएगा। जो पुडुचेरी का माही जिला है केरल में स्थित है, भारत का सबसे छोटा जिला है। और यहीं पर देख लीजिएगा कि जो कच्छ का, यानी गुजरात का जो कच्छ जिला है, ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। यानी माही सबसे छोटा जिला और कच्छ, गुजरात का कच्छ जिला सबसे बड़ा जिला है भारत का, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर, इधर तो लगभग हो गया है। और ये देखिए क्षेत्रफल के आधार पर राज्य है, तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरे नंबर पर एमपी है, महाराष्ट्र है, और चौथा है यूपी, पांचवा है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यूपी का स्थान चौथा है क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है।
और जो भारत की पूर्वी तट रेखा है वो कहाँ से शुरू होती है? गंगा डेल्टा यानी कि पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होकर के कुमारी अंतरिक्ष तक फैली हुई, ठीक, यानी कि जो यहाँ पर गंगा डेल्टा, ठीक है, जो यहाँ पर जो गंगा डेल्टा है कहाँ पर है? ये हुगली नदी के मुहाने पर, ठीक है। हुगली नदी कहाँ रहती है? पश्चिम बंगाल में रहती है, ठीक है। इसके बाद वो हुगली किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। तो हुगली नदी के मुहाने से लेकर के ऐसे से आई यहाँ तक ये क्या है? ये है आपका कौन सा? ये भारत का पूर्वी तट है, ठीक है। ये पूर्वी तट है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ यानी ये देखिए भारत की पश्चिमी तट है कहाँ से? कच्छ खाड़ी, यानी जो ये कच्छ की खाड़ी है, तो यहाँ से लेकर के पूरी क्या है? ये भारत की पश्चिमी तट रेखा है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत की पूर्वी तट रेखा है, भारत की पश्चिमी तट रेखा कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। तो भारत की पूर्वी तट रेखा गंगा डेल्टा से कुमारी नदी तक फैली हुई है और भारत की पश्चिमी तट रेखा कच्छ खाड़ी यानी कि गुजरात से कुमारी अंतरिक्ष तक फैली हुई है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। और इसके बाद क्या बचा? हाँ, एक चीज ये बची है, देखिए ये है राजस्थान। एक राजस्थान में एक स्थान है जिसका नाम है, जगह है, ब्रियावली है, ठीक है। क्या नाम है? ब्रियावली है। ये राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, ठीक है। और ये अब तक का भारत का सबसे गर्म स्थल मापा गया है। इसका टेम्परेचर था 56 यानी 56 डिग्री सेल्सियस। ये भारत का सबसे गर्म स्थल है। इतना गर्म आज तक ना ही राजस्थान में, पूरे भारत में कहीं पर भी इतना गर्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये स्थान याद रखिएगा, ब्रियावली, ठीक है, राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। बाकी आपको हम ये उत्तरतम, पश्चिमतम और ये सब बता चुके हैं, ठीक है। और ये पूर्वोत्तर मैंने आपको बता दिया है, चीन के बारे में बता दिया है, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब तो सब कुछ हो गया है। जीएमटी आपको बता दिया है, ये हाँ, ये देखिए यूपी वाला बता देते हैं आपको कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसकी सीमा किससे किससे लगती है? 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो राज्य कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये 8 राज्य हैं, ठीक है। ये 8 राज्य हैं जिनसे यूपी की सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, ठीक है, जिससे यूपी की सीमा लगती है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 9 हो जाएंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के जिनसे कि यूपी की सीमा लगती है, ठीक है। तो राज्य पूछा जाए तो 8 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो फिर 9 हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया दोस्तों पूरा, मुझे लगता है कि अब तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा ताकि आप आराम से इसको नोट कर लें, ठीक है। और कैसी लगी आज की क्लास ये हमें जरूर बताइएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हमें अच्छा लगे और इम्प्रूव करने का, आपको अच्छे से पढ़ाने का, ताकि हम आपकी परीक्षा को पास करा सकें और आपके अधिकारी बनने के सपने को पूरा कर सकें। चलिए दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।